स्कूल में खाद्यान्न वितरण में जमकर धांधली हो रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में मध्याह्न भोजन की जगह अनाज बांटा जा रहा है, इसकी गुणवत्ता भी खराब मिल रही है। ताजा मामला बरेला के कैलवास प्राथमिक माध्यमिक स्कूल में देखने को मिला, जहां पर बच्चों को कीड़े लगा हुआ गेहूं बांट दिया गया। इसकी खबर उस वक्त लगी जब स्कूली बच्चे गेहूं लेकर अपने घर पहुंचे। बच्चों के परिजनों ने जब कीड़े लगा हुआ गेहूं देखा तो सभी ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन और गेहूं बांटने वाले स्वसहायता समूह के सदस्यों पर जमकर गुस्सा दिखाया। परिजनों का कहना था कि अगर इस गेहूं की रोटी बनाकर बच्चों को खिला दे तो उनकी सेहत खराब हो सकती है। अभिभावकों ने इस संबंध में स्कूल प्राचार्य को भी शिकायत की है, जिसके बाद प्राचार्य शर्मिला चक्रवर्ती ने स्वसहायता समूह को इस संबंध में गुणवत्ता को ध्यान रखने की हिदायत दी है। गेहूं तो इस तरीके का मिला है कि वो बच्चे अगर खाएंगे तो मर जाएंगे। पूरे कीड़े, पूरा गेहूं घुन से लथपथ। किनके द्वारा बांटा जाता है गेहूं? ये मिडिल स्कूल समूह के द्वारा बांटा जाता है। मैडम, हम लोग के उस पे नहीं आता है भैया, वो क्या है, समूह के द्वारा डायरेक्ट भेजा जाता है। अब क्या होता है कि इनने क्या किया है, अब हम लोग को आपने बताया, वस्तु स्थिति से हम लोग अवगत हो गए, तो अब हम लोग इसको लिख के आगे भेजेंगे। कोशिश यही कि आप लोग ये इस तरीके